आपको बताएंगे आलू बैंगन की सब्जी बनाने का तरीका। ये वो सब्जी है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये पांच गोल बैंगन जिन्हें हमने इस साइज़ में कटिंग किया है, चार आलू इन्हें इस साइज़ में काटना है, एक टमाटर और पांच हरी मिर्च हमने कट कर ली हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी पिसी हुई हल्दी, 1 ओनियन यानी प्याज, इसे हमने इस साइज़ में कटिंग की। प्रेशर कुकर जिसमें हमने 2 चम्मच ऑयल और इसमें कटी हुई ओनियन प्याज डाल, प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें इकट्ठा मसाला डाल देंगे। मसाला आपके सामने भून के तैयार हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे आलू बैंगन कटे हुए। और इसको भी डालेंगे अच्छी तरह। अब इस प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है, सीटी लगा दिया है और आँच इसके नीचे तेज है। चूल्हा बंद कर दिया है और अब हम इसकी सीटी उतार देंगे। अब मैं इसका ढक्कन खोल दूंगी। प्रेशर खोलने के बाद ये आपके सामने हैं। अब इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको भून लेंगे। 5 मिनट का प्रेशर लगाया, उसके बाद इसको ढक के रख दिया ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब देखें ये आपके सामने हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी खुश्क हो रहा है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, ये देखें ये आपके सामने बन के तैयार है और इसका पानी खुश्क हो चुका है। आलू बैंगन की सब्जी तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, हरा धनिया कुटा हुआ बारीक, और साथ मैंने ये रायता बनाया है जिसमें दही, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, नमक, बंद गोभी और प्याज है बारीक कटी हुई। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत